ये आरसी 200 है, ये 7,000 किलोमीटर चला हुआ है। अगर मेरा चैनल का नाम लेकर आएंगे तो कोई आके बोलेंगे हाँ, कि वो आप मेरा चैनल डिस्काउंट लेकर कुछ आए कर तो देंगे। डिस्काउंट हो जाएगा। ये RC 390 2020 का मॉडल है, ये भी एकदम अच्छा कंडीशन है। ये 13,000 किलोमीटर चला हुआ है। वर्जन 3 है, BS6 मॉडल है, BS6 2020 20 का है। का मॉडल क्या 125 ये वाला 125 है, 4,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है और LED लाइट लगा हुआ है। गाड़ी पे नहीं किया गया साल से नहीं लैपटॉप मार्केट है नहीं ये कंपनी शोरूम फील्डर है कंपनी। सॉरी ये R15 V3 है, हाँ लास्ट का है, बहुत फ्रेश है गाड़ी, बहुत हाँ अच्छी। यार मेरा फेवरेट गाड़ी ये डोमिनर 400 है। बात एक VS4 साइज ना हाँ या ये वन BS4 है, सिक्सटी 125 cc एक है। सौ पच्चीस सीसी का जो जिसका डिमांड बहुत ज्यादा आ हाँ रहा ये था। आपका गाड़ी है। हाँ नहीं मेरा गाड़ी ये वाला सेम सेम कलर सेम कंडीशन ये सेम झिक्सा है, हाँ 2020 का मॉडल है। तो ये आपका 60 तक आ जाएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। सब फ्रेंड्स आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा था प्रदीप ऑटो के लिए, तो फिर फाइनली मैं आ गया हूँ प्रदीप ऑटो पे आप लोगों के लिए सेकंड हैंड बाइक की डील लेके। तो आज मैं आप लोगों को KTM वगैरह बहुत कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। KTM RC 3 दिखाऊंगा, ड्यूक वगैरह दिखाऊंगा, बाकी NS125 का जहाँ तक मेरे को पता है आज सुबह या कल रात को मेरे को कमेंट आया था, वो भी ब्लॉग वाला चैनल पे, इस चैनल पे नहीं ब्लॉग वाला चैनल पे मेरा कमेंट आ रहा था 125 के लिए और कम्युनिटी पोस्ट में भी आया था। तो भाई मुझे याद नहीं है कौन किया था, क्योंकि दो तीन सब्सक्राइबर मेरे किए थे। तो KTM 125 में दिखा दूंगा और 160 में मैं आपको सारा सब कुछ दिखा दूंगा। तो फटाफट ब्लॉगिंग पर देखो, एक एक करके फाइनेंस वगैरह का डील और लोकेशन क्या हो जाएगा सब कुछ मैं हम लोग क्लियर करके एक एक करके प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि मैं कोई भी इस तरह वीडियो डालू आप लोग नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और मेरा ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल के अंदर आपको वो चैनल मिल जाएगा, तो फिर इस चैनल में लोगों को ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे से कुछ बात करना है, फिर मेरे से कुछ मेरे साथ लाइव आना है, तो अब लोग क्या करना होगा ना, मेरे को इंस्टाग्राम भी फॉलो करना होगा, ठीक है। तो भाई इतना कुछ कह रहा है तो भाई वो दो चीज़ भी कर दो, एक इंस्टाग्राम में फॉलो और एक ब्लॉग वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। मैं डेली ब्लॉग डालने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल, बाकी हो नहीं पाता क्योंकि ये चैनल पर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो उसके लिए कॉन्टेंट मुझे नहीं मिल पाता। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं हर एक दो तीन दिन में ब्लॉग डाल ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो उसको जाओगे सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट बुलाते परिता को। तो आगे परिता के पास, तो परिता कैसे आप, हाँ ठीक, स्वागत है आपको बहुत दिन बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत दिन बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं ना, इस बार 2 महीने तीन मेरे महीने बाद। चैनल भी दिन दिन ग्रो कर रहा है, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, प्रदीप ऑटो में भी आप लोग बहुत रिस्पांस दे रहे हो, बहुत सारा मेरा कमेंट आता है प्रदीप के पास क्यों नहीं जाते हो, तो भी इतना जल्दी जल्दी वीडियो नहीं हो पाता है ना, और हम लोग जब भी आते दोनों वीडियो कवर करते हैं। तो फिर बता दीजिए प्रदीप, हम लोग इस जगह पर भी है, इसका लोकेशन क्या हो जाएगा। ये लोकेशन है आपको आसनसोल चांदा मोड़, हाँ मारुति सुजुकी बीके ऑटो, जस्ट उसी पीछे ही जस्ट है, पीछे जस्ट पीछे ही है। बस। बाकी आप लोग को लोकेशन में कुछ भी दिक्कत होगा, लो चांदा आगे प्रदीप को फोन करोगे, स्क्रीन नंबर चल रहा है, आपको लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और फाइनेंस भी अवेलेबल शायद यहाँ पे हो हाँ जाएगा ना, फाइनेंस फाइनेंस अवेलेबल है। अवेलेबल हो जाएगा कुल्टी से लेके दुर्गापुर तक, हाँ कुल्टी से लेके दुर्गापुर दुर्गापुर तक। तक। और नाम ट्रांसफर मैं आप लोगों को नाम ट्रांसफर बताता हूँ, अगर कोई बाहर का बंदा आ रहे हो नाम ट्रांसफर गाड़ी लेने के लिए, तो आप लोग इस दिन आओ जिस दिन आपको नाम ट्रांसफर हो जाए, हाँ संगत से हो जाएगा, तो आप लोग को बार बार तेल जला के आना नहीं ना ना पड़ेगा बाहर से आ सोमंगल रहे हो। बुध बृहस्पति। सोम मंगल बुध बृहस्पति आप लोग आओगे तो आप लोग का एक ही दिन में नाम ट्रांसफर हो जाएगा, वो भी आप लोग फोन करके आना, हर दिन हर कोई अवेलेबल नहीं रहता ना, फोन करके आना, ठीक है। और लोकल बंदा कोई आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी लेकर चल जाओ, फिर एक दो दिन में नाम ट्रांसफर करा लो, है ना। तो हम लोग सबसे पहले आज क्या KTM से दिखाएंगे या कि उधर से दिखाएंगे, हाँ जिधर से देखिए उधर से दिखाते KTM KTM से ही स्टार्ट कर दीजिए। KTM से स्टार्ट करें। हाँ सबसे पहले बताइए RC का कौन सा क्या हो जाएगा। ये RC 200 है, हाँ ये 2018 का लास्ट का गाड़ी है। 18 का लास्ट का गाड़ी है, हाँ RC 200 ये है, 7,000 किलोमीटर चला हुआ है, मात्र 7,000 किलोमीटर गाड़ी सात चला हजार हुआ है, किलोमीटर चला अठारह हुआ गाड़ी मात्र 7,000 किलोमीटर चला सात हुआ हजार है, चला हुआ एक ब्रांड बहुत न्यू बड़ी है, बात है। टायर भी अच्छा खासा ब्रांड न्यू एकदम मिल ब्रांड न्यू जाएगा, है, देखा लीजिए ब्रांड न्यू बाकी गाड़ी गाड़ी है, खाली वॉश करने के बाद आपको सब कुछ क्लियर मिल जाएगा। एकदम एकदम सब कुछ ओके है। इसका 1,35,000 पड़ेगा। 1,35,000 हो जाएगा, और मेरा चैनल का नाम लेकर आएंगे तो कोई आके बोलेंगे हाँ कि वो आप मेरा चैनल डिस्काउंट देखे कुछ हैं, कर तो देंगे। डिस्काउंट हो जाएगा हाँ ना। हाँ हाँ सही है, सही है। अब आते हम लोग फिर से RC 200 है क्या, ना ये RC 390। और ये भी 390 हाँ है, ये 2020 का मॉडल है, ये ये दो हजार RC 390 2020 का मॉडल है, ये हाँ भी एकदम अच्छा कंडीशन है। ये 13,000 किलोमीटर चला हुआ है, हाँ एकदम फ्रेश है गाड़ी, कोई भी कहीं भी दागी टूटा भांगा कुछ है 13,000 नहीं, हजार मात्र किलोमीटर चला हुआ गाड़ी, 13,000 चला हुआ है। इसका कितना आ एक जाएगा, लाख पैंसठ हजार आ जाएगा। 1,65,000 तक इसका आ जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ अब ये क्या 125 ये हो वन गया, ट्वेंटी फाइव है, हाँ ये आपका बीरभूम नंबर है, बीरभूम नंबर ये है, भी 4,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है, हाँ 2021 का गाड़ी है, अच्छा ये बीरभूम 21 नंबर है बाईस का। ना, हाँ 22 2022 का का गाड़ी गाड़ी है, है, 22 का गाड़ी है। बीरभूम बीरभूम नंबर नंबर है। मुझे हाँ थोड़ा थोड़ा आइडिया हो गया जावेद के पास जा जाके, हाँ हाँ तो ये बीरभूम नंबर गाड़ी है, ये भी फुल फ्रेश है, 4,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है।
और इसका इसका स्क्रीन दाम, प्राइस क्या हो इसका जाएगा? पड़ जाएगा 135, 1 135। लाख 35 में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग इस पे, ये ड्यूक 200 है, ड्यूक 200 है। ये डुअल चैनल ABS, ये भी है। तो ये 200, ड्यूक 200 है, 2019 का मॉडल है, लास्ट का 19 का है। हाँ, ये भी अच्छा कंडीशन है, रेसे गाड़ी। इसका इसका भी 1,10,000 तक आ जाएगा। 1 लाख 10 तक आ जाएगा, थोड़ा बहुत कुछ नेगोशिएट हो हाँ जाएगा, हाँ ऐसे हमेशा कम एकदम कर देंगे लगा इसका। हुआ। अब आते हैं हम लोग वर्जन 3 पे, हाँ रेड वी ब्लैक थ्री कलर। हाँ अच्छा, आपका वो वाला दुकान में वर्जन 3 शायद था, वो यहीं पे आ गया ना कि ना ना, वो सब बिक गया। वो सब बिक गया है ना? हाँ, चलिए ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस पे। ये आपका वर्जन 3 है, BS6 मॉडल है, BS6 2020 20 का है। का मॉडल है, हाँ 20 का, बीच का ये भी, मॉडल हाँ है। ये भी फ्रेश है, फुल। ये भी हाँ, एकदम अच्छा है गाड़ी, कोई काम नहीं इसमें भी। गाड़ी में भी कोई काम नहीं है, टायर कंडीशन में अच्छा खासा आपको मिल जाएगा। बाकी सामने ट्रैक आपको थोड़ा दिन मतलब चल चल हाँ जाएगा, हाँ अभी चल चलेगा, जाएगा अभी सामने ट्रैक में। चलेगा। आप लोग हाँ क्लियर होके ही बता देता हूँ, आप लोग के लिए हाँ बेटर रहता है, ठीक है? हाँ सामने हाँ ट्रैक हाँ चल जाएगा, पीछे का ट्रैक आपको अच्छा खासा नया हाँ कंडीशन मिल हाँ जाएगा, ठीक हाँ है? इसका भी आपका प्राइस आ जाएगा 1,16,000 तक आ 1 लाख 16 तक आ जाएगा, दो जाएगा। हजार बीस का बीच का हाँ मॉडल है ये भी, शायद 2020 का है ना? हाँ ये भी 2020 का मॉडल है, क्लासिक 350, क्लासिक 350 मैट ब्लैक कलर, मैट ब्लैक कलर, वो भी प्रोजेक्टर लगा हुआ है। प्रोजेक्टर लगा हुआ, सब कुछ ये सब हाँ आफ्टर मार्केट लगा हुआ, रेड कलर का कॉम्बिनेशन साथ आ हाँ रहा हाँ है, ठीक है? और गाड़ी का मॉडल है 2020 का, और मैट ब्लैक है, हुँ? और LED लाइट लगा हुआ है। हुँ? इसका भी 13,000 किलोमीटर मात्र चला हुआ है। हुँ? इसका भी पड़ जाएगा 1,56,000 तक पड़ एक जाएगा। लाख 56 तक आ जाएगा, ठीक है? तो भी एक लाख गाड़ी को पचपन देख लो अच्छे से, एक एकदम लाख फ्रेश एक है, लाख प्रोजेक्टर 56 में आ जाएगा, तो लगा एकदम हुआ फ्रेश है। कंडीशन गाड़ी है भाई, यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह सब कुछ लगा हुआ, ठीक है ना? ना कोई दिक्कत नहीं आप लोग का, बाकी साइलेंसर आप लोग को भाई कंपनी वाला मिल जाता, कुछ छेड़छाड़ गाड़ी पे नहीं किया गया। साइलेंसर आफ्टर मार्केट है, नहीं, ये शोरूम कंपनी है, फिटेड है, शोरूम कंपनी फिटेड फिटेड है, सब। ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते पहले तो हम लोग ये वाला बुलेट पे, ये बुलेट BS6 मॉडल है, ये 500 की 300 की है, ये थ्री। 350 है, अच्छा ये क्लासिक 350 है, BS6 मॉडल है। हाँ इसका भी आपका एलो व्हील कंपनी फिटेड लगा हुआ है, और इसका हाँ भी प्रोजेक्टर लाइट लगा हुआ है, हाँ सामने का प्रोजेक्टर लगा प्रोजेक्टर हुआ है, इसका भी है। इसका भी 1,55,000, ये सब आफ्टर मार्केट बहुत कुछ सामान लगा हाँ हुआ है, इसका ठीक भी है? 1,55,000 तक आ जाएगा। 1 लाख 55 तक आ जाएगा। हाँ दो हजार एक कितने का मॉडल है? 2020 का सेम बीस का, मॉडल। दुर्गापुर नंबर है ना? हाँ हाँ दुर्गापुर नंबर साथ आ नहीं, रहा है, दुर्गापुर तो है नहीं। दुर्गापुर नंबर है ना? हाँ दुर्गापुर नंबर, हाँ दुर्गापुर एक नंबर लाख ही, तिरपन तक कर देंगे। 1 लाख 53 तक आ जाएगा हाँ ना? दुर्गापुर नंबर है इसलिए। इसीलिए थोड़ा सा कम हो गया हाँ रेट ना, हाँ बाकी तब दुर्गापुर वाले के लिए बहुत सुविधा है। M5 V3 है, हाँ इसका 2019 का मॉडल का है, हाँ लास्ट का है, बहुत फ्रेश है गाड़ी, बहुत हाँ अच्छा है, गाड़ी में कोई काम वाम नहीं है। इसका भी पड़ जाएगा आपका 1,05,000 तक। 1 लाख 5 तक आ हाँ जाएगा, एक कितने का लाख मॉडल है? ये 2019 का लास्ट का है, 2019 का लास्ट का लास्ट मॉडल है का भाई, 1 लाख 5 तक आ जाएगा V3, आप लोग देख एकदम सकते हैं, ठीक फ्रेश है है? गाड़ी। एकदम फ्रेश गाड़ी है, टायर कंडीशन आपको ब्रांड न्यू अच्छा खासा मिल जाता है, और गाड़ी भी आप हाँ लोग अच्छा खासा कंडीशन में मिल जाएगा, ठीक है? ये भी अब आते हम लोग आपका इस पे। V3 हाँ है, ये भी 2019 का मॉडल है, हाँ ये 40AN, हाँ ये भी 2019 का लास्ट का गाड़ी है। हाँ ये आपका 1,00,000 तक ही भी आ जाएगा। 1 लाख तक ये भी आ जाएगा, 2019 का ये लास्ट का एकदम मॉडल फुल है, फ्रेश है गाड़ी। अच्छा खासा फ्रेश गाड़ी है भाई, टायर कंडीशन देख लो, टायर कंडीशन ब्रांड न्यू आपको मिल जाएगा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से आओ, चला वाला के देख लो, पसंद आया तो एडवांस करके चले जाओ। जैसे कि मैंने बोला, बाहर का अगर लड़का आएंगे कोई, तो उसी दिन इस दिन आओ ना, कि आपका नाम ड्रॉप उस दिन हो जाए, ठीक है? अब आते हैं हम लोग इस पे, डोमिनर, मेरा फेवरेट गाड़ी, ये डोमिनर 400 है, 400 भाई, हाँ बहुत बहुत तेज पिकअप बहुत इसका, अच्छा है, और बहुत LED अच्छा है, लाइट का साथ है, राइड राइड इसका बहुत कंफर्टेबल है, LED लाइट है। एलईडी लाइट इस आफ्टर मार्केट लगा हुआ कि कंपनी फिटेड है ना? हाँ कंपनी फिटेड है, कंपनी फिटेड है ये, कंपनी फिटेड है, ये बजाज का तो हाँ बजाज का, कंपनी ये है। तो कंपनी फिटेड आता ही है। और ये आपका ABS, डबल ABS है, डुअल चैनल ABS है, और LED लाइट लगा हुआ है, LED लाइट है ये। और इसका इसका आस्किंग प्राइस क्या आ इसका जाएगा? भी एकदम फुल फ्रेश गाड़ी है, कोई काम नहीं है गाड़ी में, एकदम फ्रेश गाड़ी है, कुछ भी इधर उधर 100 भी खर्चा नहीं करना होगा, फ्रेश है गाड़ी, टायर बॉडी सब एकदम ओके है। इसका भी 1,05,000 तक आ जाएगा। 1 लाख 5 तक आ जाए, कुछ खर्चा नहीं है, बाकी इंडिकेटर, इंडिकेटर इसका जो भाई बहुत अच्छा मिल जाता, हाँ शोरूम हाँ हाँ शोरूम जो इंडिकेटर आता शोरूम से, वही अच्छा खासा मिल जाता कंपनी के साथ। बाकी ईएमआई का जो इंडिकेटर था भाई, वो पहले बहुत मोटा था, ये चीज मेरे को बहुत खराब लग रही है। अभी का जो ईएमआई जो V4 आ रहा है उसका, अब V4 कौन सा पता नहीं, अभी वाला जो मॉडल आ रहा है उसका इंडिकेटर भाई बहुत ही पतला वाला, मस्त वाला इंडिकेटर आ रहा है, मैंने अभी नया नया देखा हुआ, ठीक है? स्पोर्ट्स कलेक्शन में हम लोग सारा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? उसमें एक हाँ पल्सर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 125 पल्सर 125 CC है। नियॉन। हाँ ये 2020 का मॉडल है, ये हाँ, भी BS6 मॉडल है, 61 तक आ जाएगा। 61 61 हजार में आ हाँ जाएगा, ठीक 61 है? हजार में आ जाएगा। अब आते हैं एक VS4 है ना, हाँ या ये BS4 है, 160 NS। NX160 है, हाँ BS4 मॉडल है, वो NX160 ABS मॉडल है, ठीक है। ये भी फ्रेश गाड़ी है, फुल फ्रेश है, इसमें भी कोई खर्चा नहीं है। इसका भी 75 तक आ जाएगा। देखें, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। इसका कितना आस्किंग प्राइस क्या आ जाएगा? इसका पर ये 75। 75,000 में आ। अब और ये आते 125 CC हैं एक है। सौ पच्चीस सीसी का, जो जिसका डिमांड बहुत ज्यादा आ हाँ रहा ये था। आपका गाड़ी है। हाँ, नहीं मेरा गाड़ी ये वाला है, सेम सेम कलर सेम ये कंडीशन सेम, मतलब सेम सीसी ये वाला मेरा है, ये वाला आपका 1
इस कलर में दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है ना भाई। हाँ ये थोड़ा सा मतलब मैट रेड में आ रहा है, ये थोड़ा सा मैट येलो टाइप के में, ऑरेंज टाइप में आ रहा है ये। हाँ ये आपका वो 125 सीसी है। हाँ ये भी 2021 का मॉडल है, लास्ट का है। हाँ ये भी फुल फ्रेस गाड़ी है, हाँ एकदम कोई काम नहीं है इसका भी। आपका वही 80 तक आ जाएगा, 82। 82 तक आ जाएगा भाई, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इजीली आके, और टायर कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू आपको एकदम मिल रहा ब्रांड है। न्यू है गाड़ी, कुछ भी गाड़ी में छेड़छाड़ नहीं किया गया, गाड़ी में कुछ आफ्टर मार्केट थोड़ा सा कुछ सब ओरिजिनल लगा है, दिया, कोई भी और सब कुछ रंग बाकी ओरिजिनल है। रंग तो कुछ ओरिजिनल हो गया, ना मतलब ना ना डुप्लीकेट हो गया नहीं। नहीं रंग करके रखता है, 2021 का नहीं, 2021 का गाड़ी है, 2021 का नहीं रंग होता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हाँ हो जाता हो है रंग जाता है, करके लेकिन वो गाड़ी आपको देखने से पता चल जाएगा। रंग बोल हाँ देंगे वो कहाँ अभी तो क्या होता है। मेरा भी धीरे धीरे ऐसा एक्सपीरियंस हो गया कि मैं गाड़ी चला के आप लोगों को बता दूंगा गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं, हैंडल पकड़ के मैं बता दूंगा भाई, ठीक है। इतना मेरा एक्सपीरियंस हो गया कि मैंने भी बहुत गाड़ी चेंज किया हुआ, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता, आप लोग मिस्त्री लाके वो चेक करवा सकते हो, सबसे बेटर रहेगा। आप लोग कोई मिस्त्री वगैरह ला के चेक करा लो, जिसपे आप लोग को भरोसा रहेगा, बाकी फिर बाद में आप लोग दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई, जो भी है क्लियर कर लो एक ही बात में। अब आते हैं हम लोग ये लगा, ये लगा ये 160 सीसी है, NS NS 160। ये भी डुअल चैनल ABS है, ये भी ड्यूअल चैनल ABS है, अभी न्यू मॉडल है यही वाला, हाँ नया वाला है। दो हजार इसके बाद कोई मॉडल निकला है? इसके बाद हाँ शायद एक मॉडल निकला जिसका अलॉय व्हील हाँ ब्लैक आ रहा, और कोई ब्लैक मॉडल आ नहीं रहा निकला भाई, ठीक है। जो भी है। और मैंने भी इसका लास्ट ये वाला लिया था, इसका भी 90 तक आ जाएगा, 90 तक। कितने साल का मॉडल है ये 2021 का लास्ट का, दो 21 हजार का इक्कीस लास्ट। का लास्ट का? मेरा भी 21 का लास्ट का 90,000 में आ रहा था, बहुत अच्छा है। हाँ हाँ और मतलब उस टाइम इसका रेट चल रहा था 1,45,000 के 1,60,000 आसपास, हाँ 55 1,45,000-1,50,000 में आसपास चल रहा था, कम नहीं था ज्यादा ही था, अभी थोड़ा सा बढ़िया रेट भाई, ठीक है। अब आते हैं ये गाड़ी पे। ये जिक्सा है, 2020 का मॉडल है, हाँ ये 2020 का मॉडल फुल फ्रेस गाड़ी है। ये भी ABS है, हाँ हाँ ये भी डुअल चैनल ABS है हाँ ना, सिंगल चैनल सिंगल ABS चैनल है। ABS है, हाँ पीछे डिस्क है। पीछे डिस्क है, ये हाँ सिंगल चैनल ABS है, 2020 का जिक्सा है नेकेट। हाँ इसका भी आपका 60 तक आ जाएगा, 60,000। 60,000 तक आ जाएगा, जैसा भाई 20 का मॉडल उस हिसाब से दाम बहुत कम में आ रहा है, आप लोग इसलिए आकर देख सकते हो, ठीक। अब आते हैं, ये भी एक जिक्सर ही है, लेकिन वो ऐसे मॉडल था ना शायद, हाँ SF, ये वाला ESF है, वो नेकेट था। वही नेकेट थे, वाइजर में फैट हाँ बैक में आ रहा। ये ESF है, हाँ ये 2017 का मॉडल है, ये भी फुल फ्रेश है गाड़ी। सीट और थोड़ा बहुत काम रहेगा तो हम कर देंगे, सीट फटा हुआ है जो भी है। वीट फटा हुआ, बहुत छोटा मोटा रिक्वायरमेंट है वो भैया देख लेंगे, आपको हाँ दिक्कत हाँ नहीं हाँ होगी। ये इसका आपका 35 तक आ जाएगा। 35 तक आ जाएगा, आप लोग इजीली आके देख सकते हो भाई, और गाड़ी आपको सब कुछ अच्छा खासा मिल जाएगा। बाकी थोड़ा सा अगर कुछ काम वाम रहेगा वो आप लोग देख लेना, ज्यादा हाँ कुछ काम हाँ निकलेगा नहीं, ठीक है। हाँ और एक स्पोर्टी अब बात। हम लोग ये वाला दिखा देते ना, अपाची आरटीआर, ये भी तो आ रहा है ना, हाँ नेकेड में भी दिखा देते हाँ हैं। ये अपाची, ये अपाची RTR है, टू भी है, टू भी है, इसका भी 50,000 तक आ जाएगा, कितने साल का मॉडल ये? 2020 का, वो 18 का मॉडल, 18 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है, 50,000 तक आ जाएगा, 50,000 तक आ सही दाम जाएगा। में आ रहा है भाई, मैट रेड कलर में ये। अब आते हैं अपाची आरटीआर 4V पे। हाँ अपाची RTR 4V है, 160 है, हाँ एकदम फुल फ्रेश गाड़ी है, हाँ ये तो 2021 का गाड़ी है। फुल फ्रेश है, 2021 से हाँ गाड़ी, आप लोग देख 21 का सकते गाड़ी हो, है, एकदम फुल फ्रेश है, इसका भी आपका 90 तक आ जाएगा। 90 तक आ हाँ जाएगा, 90 मतलब 88 तक कर देंगे। 88 तक ही कर दीजिएगा, हाँ 90 तक एट्टी नहीं, कोई फाइव दिक्कत तक नहीं भी होगी, आ जाएगा, हो 85 जाएगा। तक भी आ जाएगा भाई, आप लोग अच्छा खासा नेगोशिएट आपको मिल जाएगा हाँ गाड़ी। हाँ तो अब हम इस वीडियो में हम लोगों ने जितना स्पोर्ट्स कलेक्शन था फैड में नेकेड में सारा आप लोगों को दिखा दिया, तो जितना था सारा हमने दिखा दिया, ठीक है। अभी हम लोग एक और वीडियो शूट करेंगे नेकेड में, आप लोगों को कल मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप लोग देख लेना, जिसको मतलब नेकेड में बोले सॉरी माइलेज कलेक्शन में, जिसको आप लोगों को माइलेज अगर चाहिए रहेगा तो वो वीडियो देख लेना। बाकी इसमें हम लोग सारा मैं डील दिखा दिया हूँ, तो अगर इस तरह डील आप लोग फिर से देखना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे कर देना। बाकी पर आप लोग कॉल करिए, कुछ भी आप लोग को दिक्कत होगा तो दिल नंबर जो चल रहा है उसमें आप लोग कॉल कर सकते हैं, आइए गाड़ी लेके जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम ट्रांसफर हो जाएगा आप लोग का जितना दिन में आप लोग चाहो, जितना दिन मतलब आप लोग 1 सप्ताह अंदर कराना बेटर रहेगा। आरसी बुक भी कितने दिन अंदर मिल जाएगा? आसमुख 10 दिन, 10-12 दिन, 15 दिन 10-12 मान दिन, के पंद्रह चलते दिन हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कल वो वाला डील के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।